तो चलिए दोस्तों लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि ओप्पो ने F19s जो अपग्रेड के साथ यहाँ पे इंडिया में लॉन्च कर दिया और वीवो के Y73 से हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड की गई है। फोन का प्राइस जो है 20,000 है, एक तरफ 21,000 के प्राइस में आपको Y73 देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर ओप्पो F19s में जो है आपको मिलता है 33 वाट का चार्जर और वीवो के फोन में भी आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को जाएगा। लेकिन यहां पर आपको साइज में डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही चार्जर के अंदर। टाइप सी केबल आपको दोनों ही फोन में यहां पर नजर आती है, जो कि क्वालिटी काफी अच्छी यहां पर आपको दी गई है। वीवो ओप्पो के फोन में आपको ये चीज़ देखने के ऊपर काफ़ी सुकून सा मिल जाएगा, क्योंकि 3.5 mm का ईयरफोन जैक आपको दोनों ही फोन में और ईयरफोन आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाते हैं। फोन के प्रोटेक्शन के लिए आपको बैक केस दिए हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको नजर आ जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम इजेक्टर टूल आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर नजर आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर दोनों ही फोन के डिजाइन को लेकर, तो डिजाइन के मामले में काफ़ी अच्छा काम ओप्पो व्यू करते हैं। तो ओप्पो F19s जो है दिवाली एडिशन के साथ यहाँ पर निकल कर आया, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से लोग यहाँ पर दिया है। ब्लैक एंड गोल्डन दो कलर है, गोल्डन और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर में वो काफ़ी अच्छे से और बैक का जो मटेरियल है वो काफ़ी शानदार सा देखने को मिल जाता है। मैट फिनिश आपको दी गई है, स्क्रैच का चांस फोन पे काफ़ी कम यहाँ पर बनने वाले हैं। 3 कैमरा लेंस आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएंगे और वहीं वहाँ पर वीवो ने जो डायमंड फ्लेयर पैटर्न जो पीछे की तरफ दिया वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम से लुक आपके फोन को यहाँ पर रियर साइड से देता है। पीछे यहाँ पर आपको ग्लास देखने को मिल जाता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्मूथ और मैट फिनिश यहाँ पर पीछे की तरफ दी है। स्क्रैच के चांस यहाँ पर भी काफ़ी कम बनते हैं। 3 लेंस आपको देखने को मिल जाए, रेक्टेंगल पैटर्न में आपको देखने को मिल जाता है कैमरा लेंस। काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ वीवो का Y73 आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें पोर्ट्स और स्विचेस की, तो पोर्ट्स यहाँ पर आपको काफी नीचे की तरफ बिल्कुल सिमिलर से देखने को मिलते हैं। स्पीकर दिया हुआ है, टाइप सी यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है, जस्ट पास में आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा और आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर 3.5 mm ईयरफोन जैक, जो कि सिमिलर से दोनों ही फोन में एक ही जगह पर यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। लेफ्ट साइड की अगर बात करो तो ओप्पो के F19s में आपको वॉल्यूम ब्रोकर देखने को मिल जाता है, ऊपर की तरफ सिम ट्रे दी गई है। लेकिन ओप्पो बात करें Y73 में तो यहाँ पर सिर्फ राइट लेफ्ट साइड पर आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। राइट साइड की अगर बात करें तो आपको Y73 के अंदर आपको वॉल्यूम ब्रोकर और आपको जो है पावर की नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है और यहाँ पर सिमिलर सा राइट हैंड साइड पर सिर्फ पावर की आपको जो ओप्पो F19s में देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ Y73 में नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आपको ये चीज आपको फोन के डिजाइन में देखने को नजर आ जाएगी। बात करें अगर डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर तो ओप्पो F19s में आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको 60Hz का दिया गया और स्कॉट एक्स अप ग्लास का प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। एक नया ग्लास प्रोटेक्शन यूज किया गया है यहाँ पर। और वहीं अगर मैं बात करूँ अगर उसके यहाँ पर डिजाइन को लेकर तो आपको यहाँ पर बेजल्स काफी कम देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ राइट साइड पर पंच होल भी देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ चेन की जो साइज है वो भी काफी छोटी आपको ओप्पो F19s में देखने को मिलती है। Y73 की अगर बात करें तो 6.44 इंच का आपको फुल HD प्लस AMOLED रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। HD ग्लास का फ्रंट में प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है फ्रंट में। और वहीं अगर बात करें इसके फ्रंट ऊपर की तरफ तो यहाँ पर पंच होल नहीं है, आपको यहाँ पर नॉच दिया गया है जो कि फोन के थोड़ा सा डिस्प्ले को थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाता। लेकिन अगर इसके बेजल्स की बात करें वो काफी कम है, लेकिन एज कंपेयर अगर ओप्पो F19 से कंपेयर करें तो ये चीज आपको थोड़ी सी ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है। और वीडियो रेजोल्यूशन दोनों ही फोन के काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट आपको जो है Y73 में देखने को मिल रहा है। कलर्स काफी अच्छे आपको वीडियोस में देखने को मिल जाते हैं, किसी भी एंगल ऑफ व्यू से वीडियो प्ले करें काफी अच्छा वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर आपके वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोन्स के अंदर। कैमरा सेंसर की अगर बात करें कब से ज़्यादा फोकस सारी चीज़ कंपनी यही इसी पे करते आ रही है, बिकॉज वाई से अब हम ओप्पो F19s की तरफ देखें 3 कैमरास आपको दिए हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अल्ट्रावाइट लेंस यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। वहीं अगर Y73 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपको बिल्कुल ऑब्वियस Y73 में देखने को मिल रही है, बिकॉज 64 का यहाँ पर आपको लेंस दिया गया है। और अगर बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहाँ पर आपको जो है ओप्पो F19s में ओनली 1080 पे 30 fps तक आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन Y73 में यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी 4K तक आप यहाँ पर सपोर्ट करते हैं 30 fps तक, और 1080 में 30 और 60 दोनों फ्रेम रेट पर आप अपनी वीडियो को यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। फ्रंट सेल्फी आपको दोनों ही फोन के अंदर यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज आप यहाँ पर सेल्फी के दोनों ही फोन से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखने में आता है कि ओप्पो वीवो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा लो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं अगर आप 20 से 25 हज़ार तक का फोन परचेस करते हैं। लेकिन अगर बात करें दोनों के कंपैरिजन की तो ओप्पो F19s के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 पर फोन आपका बेस्ड है, स्नैपड्रैगन 662 का यहाँ पर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं Y73 की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 पर यह फोन भी बेस्ड है आपका और मीडिया टेक हेलियो G95 आपका देखने को प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अब बात करें अगर इस दोनों में कंपैरेटिबिलिटी की तो आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 देख लें या फिर
95 देख लें आप जी, तो यहाँ पर दोनों में आपको सिमिलर सा गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाएगा। एक वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको दिया है, लाइक आपको फोन के अंदर 8GB 128GB और ओप्पो F19S में 6GB 128GB यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलता है। वर्चुअल रैम का सपोर्ट है, जहाँ पर आप अपने स्टोरेज को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं आप, तो आप 6GB को यहाँ पर 2GB 3GB 5GB तक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वेरियंट में एक्सपेंडेबल कर सकते हैं ओप्पो फोन में। लेकिन वीवो के फोन में आप 4GB तक अपनी रैम को जो है यहाँ पर एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप अपने रैम को भी यहाँ पर एक्सपांड कर पाएंगे। और अगर बात करें इनके स्टोरेज वेरिएंट को बढ़ाने की, तो यहाँ पर आप 1TB तक वीवो के Y73 में अपने फ़ोन की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ओप्पो F19S में 256GB तक अपनी स्टोरेज को यहाँ पर एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स की अगर बात करें, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन स्कैनर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है। साथ साथ फ्रंट में आपको फेस लॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों ही फोन एमोलेड वाले रेजोल्यूशन के, इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही फोन में आपको नजर आ जाएगा। फोन यहाँ पर काफ़ी अल्ट्रा स्लीक और थीन यहाँ पर बनाए गए हैं, और बैटरी अगर बैकअप की अगर बात करें, तो आपको ओप्पो F19S में 5000mAh का बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फोन इसके हिसाब से भी लाइट वेट आपको नजर आ जाएगा। Y73 के अंदर आपको 4000mAh का बैटरी मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज फोन की डिज़ाइन और भी काफ़ी ज़्यादा थीन है, आपको 4000mAh यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बात करें अगर कंक्लूजन पॉइंट की यहाँ पर, तो प्राइस यहाँ पर आपके सामने क्लियर है, 8GB 128GB आपको ओप्पो Y73 जो है 20990 की कीमत में देखने को मिल जाएगा। वहीं ओप्पो F19S आपको 6GB 128GB 19990 की कीमत में देखने को मिलता है, 1000 का ही डिफरेंस है फोन में। लेकिन अगर आप ज़्यादा कैमरा क्वालिटी के शौकीन रखते हैं, Y73 काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बिकॉज वीडियो रेजोल्यूशन भी 4K तक सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर ये फोन। और अगर उसी के साथ साथ अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा और बैटरी हाई जो है आपकी ओप्पो में ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, तो फोन यहाँ पर कुछ एडवांटेज के साथ आता है, कुछ डिसएडवांटेज के साथ है। लेकिन अब 20000 का फिक्स बजट आपका है और आपको एक लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ फोन चाहिए, तो ओप्पो F19S काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और भी अगर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगती फोन में, वो कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा, और आपके हिसाब से दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है वो भी जरूर से मेंशन करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपसे मिस ना हो।